कर्क रोग के निदान में और उसके ट्रीटमेंट में एंडोस्कोपी का क्या रोल हो सकता है? देखिए, ज्यादातर मरीज जिनको कर्क रोग होता है या कैंसर होता है, अन्न नली, जठर, बड़ी आंत, लिवर, स्वादुपिंड यानी पैंक्रियास, पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर, पित्त की नली यानी बाइल डक्ट, वो मरीज बहुत लेट स्टेज में डॉक्टरों तक पहुंचते हैं। इसी कारण से भारतवर्ष में 95% कैंसर पेट के जो पाचन तंत्र के संबंधित जो कैंसर है वो जब तक सिम्टोमेटिक, जब तक उनकी निदान होता है तब तक वो इनक्योरेबल स्टेज में आ जाते हैं, मतलब उसका क्योर संभव नहीं होता है। इसलिए ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि कभी भी कोई भी मरीज के फैमिली में अगर किसी को बड़ी आंत का कैंसर की हिस्ट्री हो, उनके परिवार में किसी को पैंक्रियास के कैंसर की हिस्ट्री हो, तो ऐसे मरीजों को एंडोस्कोपी का जांच करना जरूरी है, एस्पेशली जब सिम्टम्स हो जैसे कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस, कुछ कारण न मिलते हुए वजन कम होना, रक्तस्राव होना, भूख नहीं लगना और पेशेंट को ओवरऑल वीकनेस फील करना, ये सब सिम्टम्स हैं कैंसर्स के। तो अर्ली मतलब अगर निदान हो सकता है कैंसर का दूरबीन से, एंडोस्कोपी से, तो एंडोस्कोपी से उसका उपचार भी हो सकता है। तो आज हम ये अपील करेंगे पूरे भारत से कि चौकन्ने रहना जरूरी है, जल्दी कैंसर को फर्स्ट स्टेज में निदान करना आवश्यक है ताकि कैंसर को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आवाम में, जब लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ेगी तब लोग आगे चल के आएंगे। और मैं जैसे अर्ली मैंने कहा है कि एंडोस्कोपी बिल्कुल पेनलेस है, हमारे इंस्टीट्यूशन में दूरबीन की जांच में कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो ये जो डर है मरीजों के मन में से निकलना है और एंडोस्कोपी के लिए मरीज को आगे आना है अगर उनको कोई डाउट है कि उनके साथ कोई सीरियस बीमारी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि एंडोस्कोपी से ही कैंसरों का अर्ली निदान हो पाएगा और वही एक आशा है जो कैंसर में क्योर दिला सकती है।